चाह पियाती सानू भाई इन मह दस जगह चाह मिली रस्ते इस बंदे ने ब्रेक नहीं मारी इस बंदे ने ब्रेक नहीं मारी भाई तेन क्या तू गड्डी चलानी छड़ती चलो चलो आइयो आइयो दूजे किधर है एंटर तो कर दो पहले बंदे नु बड़ी एकदम बड़ी फिलहाल 10 बंदे जा रहे 2 गाड़ियां जा रही अपने सभी भाई जा रहे जितने भी हैं ऐसे आप व्लॉग में बने रहो और कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार आपको व्लॉग में काफी टाइम से प्लान कर रहे थे सब भी इधर चलते हैं उधर चलते हैं और फाइनली आज मिले मौका चलने का तो फिर रेडी हो गया सब बस निकलना है बाकी है अंकुश को कॉल कर दिया हमने भाई भी रेडी हो गया तो फिर निकलते ये देखो भाई सुबह के 3 बजने वाले हैं जल्दी निकलना था 2 बजे निकलना था बट 3 बजने वाले हैं चलो कोई बात नहीं करण भी आ जाए करण को बोल दिया था करण भी उठ गया मतलब रेडी हो गया वो भी और नन्ना भाई भी रेडी हो गए दीदी शिवाली सब रेडी हो गए तो भाई बस निकलना बाकी है एयरफोन के करने ऐसे तो फिर रखो अपने को लेना गड्डी फिर ये भी डालना है अच्छा डाल दे जल्दी जल्दी लड़की इसमें ओके चले सी बिस्की तो निकलते हैं अब रखो सामान बीच में चलो तो करो उसको बंद बैठ से हम चल के गाड़ी में गाड़ी को स्टार्ट भाई बंदे अपने खड़े हैं सब रेडी है रेडी नन्नू नन्नू नहीं आया अभी तक दीदी और शिवाली तो खड़े हैं करण के पास वहाँ ज्यादा लग रहा है कुछ क्या 3-4 दिन की पैकिंग करके आया क्या लड़की एक नंबर कई टाइम का नहीं आता अभी ये भी हौली हौली ढिल ढिल करता रहता यार क्या बंदे यार ये 5-6 दिन की जगह और लग गया चला जल्दी आ जरा मेरी जैकेट ली चल चल दे आ चलिए चलो तो भाई नन्नू के घर जाते हैं पहले देखते हैं क्या बात होगी चलो डेढ़ रुपये से आया कितने मिल रहे हैं छोड़ो मां में लटक धक्का नहीं है क्या लगा लैडर लगा धक्का नहीं बजनी लैडर ही है जिंदे चल तन्नू मेनू बोल दिन थोड़े बजने में सोई ना थोड़ी देर इदे ही है तिन्ने सोन देने ही नहीं तो भाई फाइनली नन्नू को भी ले घर से थोड़ा सा सीन क्रिएट हो गया था इसकी मम्मी डांट रही थी उसको थोड़ा फिर मम्मी को इसको समझाया आंटी जाने को उसको आंटी मान गए जल्दी मान गए आंटी यार सुते उठे वाली मैं इन्हू किन्ने फोन किए कट के 20 फोन हो गए तू सवेरे ਕਿੰਨੂ ਮੈਂ ਸੋਣੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਪ ਸੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਓਏ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਜੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਨੂਨਾ ਨੀਚੇ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੈਦਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਤੋਂ ਆਣੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਚਲ ਤੋ ਨੀਚੇ ਕੋ ਪੈਦਲ ਉਸ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲ ਕੇ ਔਰ ਕਰਨ ਵੀਰ ਕੋ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗਾੜੀ ਮੇ ਕਰਨ ਵੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗਾੜੀ ਮੇ ਆਇਆ ਅਜ ਡਿੱਗੀ ਹੋ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ आइए जल्दी हाँ जी भाई आ गए चल चल जा जा उधर जा लड़ी है तू जगह जा ओके भाई तेरा मेरे साथ इधर रखी है और बढ़ा ले रहा एक बंदा चल जा उड़े कर लेंगे यार उन दम पेट्रोल पंप कड़ा खुला होगा बाबे फुल कर दे फुल कर दे देखने कितने दिन दिखो ले अंकल ये लगा अंकल खचड़ी कर रही है सुते नहीं रहती सुते हैं कल हो गए हैं ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਤਗੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਆਪਕੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਦੀ ਲੈ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਲਾਗੀ ਹੋਣਾ ਤੋ ਭਾਈ ਗਾੜੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਵਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਸੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਸੋ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ करते अपनी गाड़ी आगे और अंकुश वाली गाड़ी लगवाते हैं पीछे फिलहाल हम रुके हुए हैं गड़वा में यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है
हम रुक गए थे क्योंकि हमारा अंकुश भाई रुक जाता है भाई, पता नहीं किधर रह गया, वो आया भाई, वो गया। सर आपको मैं बताना भूल गया था, हम जा रहे हैं जिब्बी में, मैंने आपको पहले बताया नहीं कहाँ पर जा रहे हैं, जाते हैं आप यहाँ से निकलेंगे अमीरपुर, अमीरपुर से मंडी, फिर मंडी से आगे निकलेंगे जीबी के लिए। तो भाई हम फिलहाल फिर से रुक गए हैं, हम एक्चुअली नदौन में नहीं जाएंगे, नदौन से पीछे से रास्ता जाता है सीधा, ये शॉर्टकट है और सीधा ये अमीरपुर रोड पे मिल जाता है जाके, क्योंकि हम इधर पड़े हुए हैं भाई, 2 साल हमने लगाया अमीरपुर में, तो हमें पता है यहाँ के रास्ते। और इधर से आप देख सकते हो नदौन एक्चुअली इधर है, तो हम इधर जाएंगे नहीं, हम शॉर्टकट जा रहे हैं उधर से है। और फिलहाल तो अभी रात है, तो आपको कुछ रात तो नहीं, 4 बज गए, 4:15 हो गया टाइम, 4:15 आपको क्या बता सकते हैं, बट थोड़ा अंधेरा है, नहीं तो आपको व्यू दिखा देते थोड़ी इधर उधर के। और ये देखो कैसे पीछे गाड़ी पैक की हुई है, हमारे बच्चे बैठे हुए आगे, कौन बोल रहा बोल रहा, लो तो भाई आगे निकलने वाला था आगे पठार, हाथ मार दिया हमने उसको, देखिए इन्होंने पता शॉर्टकट, इन्होंने पता शॉर्टकट, इन्हें निकल जाना सीधा ही, नींद तो नहीं आ रही अभी आपको, टाइम देख लो भाई 5 बजने वाले हैं, अंकुर नींद आ रही खड्डे में कपड़े जाल दे क्या कर रहे, चलो तो भाई गाड़ी हमारी लगी है दोनों, निकलते फिर यहाँ से, कितने कितने लगेगी कितने, हाँ जी चाह मिल गई, चाह लोकेशन भी बढ़िया, चलो भाई मैं जूते खोल तेरी चक्कर, अरे चाह भी आती सानू भाई, इन्हीं मत दस जगह चाह मिली रस्ते, इस बंदे ने ब्रेक नहीं मारी, इस बंदे ने ब्रेक नहीं मारी भाई, ओए तेनु क्या तू गड्डी चलानी छड़ती दे भाई, बड़ी मुश्किल से चाय मिली, अब चाय पी के निकलेंगे आगे, फिलहाल हम पता किधर पहुंच गए, लो तो भाई चाय पी के निकल गए, और करण बेचारा उधर निकल गए गाड़ी में उसमें, और हम अपने बंदे जा, धूप निकल गई है भाई, अब सीधा आपको मिलेंगे हम, पता नहीं जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे अच्छा भी हो जाएगा वहाँ पे हम ब्रेक मार लेंगे, क्यों ना जी, तो आपने क्या सोचा कहाँ पे गेट लगाएंगे सीधा, जिस बार चल गया आगे भाई, तो भाई यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया है भाई, टाइम के बाद घूमने जा रहे हैं, मजे पूरे लगे उधर, सस्ती पई हो उधर, सस्ती पई हो कर दे काला, आओ कर दे चल, आओ मैं कहना तुम कैमरा कर दे चल, नहीं इधर थोड़ी है, मंडी रोड ही है भैया, मंडी नो ही रोड गया, मंडी यही गया, ठीक है भैया थैंक यू, चलो तो भाई अंकुश भाई से पूछते हैं, मैं गाड़ी चलाऊं इसकी, अंकुश भाई थक गया होगा, पूछना है पहले, और मैं चलावा है तेरे वाली पक्की गल है ना, चल मेरे वो पीछे सोई हो सारे, तो मैं चलाने मैं ना, तू इन इधर आ दे, मैं नहीं चलाना तेज, तो भाई फिर रुक गए हम एक बार से, क्योंकि हम कुछ भाई धीरे चलता है, हमने उसको बोल दिया तू निकल, हम थोड़ी देर रुक के आएंगे, तो आप इधर का नजारा देख लो पहले भाई, अरे वो कर दे ना यार भाई, बनके कर दे नहीं कर दे मसला, कर दे ना मसला, कर दे आज क्या कराया भाई, आपको एक चीज बतानी थी, ये देखो बंदों ने घास किधर रखा है, पेड़ों के ऊपर, कितने के पेड़ों वाले, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो क्या सीन होगा, उन्होंने बंद कर दे, देखो यहाँ से बताते हैं आपको व्यू, ये सर चक्कर आने खड़े की अग्गे दिख पहले ना, ये यहाँ भाई जो उनको व्यू है ना वो फोन में नहीं दिखा देता, उस तरह का व्यू आपको, नहीं टोपी के दे आता है, दे दे किसी ने उतना टोपी भाई जी, आप निकले नहीं, क्या बात होगी, माहौल ठंडा हो गया आपका, क्या है उन्होंने तू निकले नहीं यार, पता कितना तगड़ा व्यू है, अब भाई सीधा कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा अंकुश भाई के पास रुकेंगे चल के, हमारे भाई काफी आगे निकल गया हमसे, अंकुश भाई क्या 5-5 मिनट बाद रुकेंगे, तुम यार सर सुसु लगा ना, मैं गड्डी चलाने लगा तो रुकी है,
खुश है हुन गड्डी अपनी च आ गया खुश है सुन के सीत वाले गड्डी जन्ना तेन सीत वाला एक बार बहुत सीत वाला सुना दे मार दे डायलॉग मार दे सीत वाला मूड थोड़ा होना बेचारा चढ़न होना संगत भी चढ़ने टाइम लगता बैठे देखिए थप्पड़ मार के बढ़ा जाते इसने उतर गया नेपाली 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 बैठे इधर आ मच्छर चलिया तो जिब्बी जिब्बी है ना जिब्बी मच्छर मच्छर चलता सी बच्चे चलो सेट सेट कम इधर दिख रहा ओ दीदी आ जाओ भाई ठीक है सफर मंडी बजाते तेन मंडी ठीक हो ठीक ठाक हो शिवाली ठीक है तू गुड उधर से उधर से तो मेरे भाई आपको ब्रेकफास्ट करवा देते हैं फिर आप बोलोगे भाई खिलाया नहीं कुछ क्यों करण जी कर तो चुप ही गल गया क्या गड्डी ज्यादा तेज आई गड्डी ज्यादा तेज आई क्या गड्डी तेज आई गड्डी तेज आई भाई गोली मारे कहते खड़े होने चलो चलिए परौंठे आइए भाई अंदर और लोग है क्या करने रुकना करण वास्ते नन्नो दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर हो गया और करण हमारी गाड़ी में आ गया सीधी ब्रेक लगी जीपी लो तो भाई फिलहाल हम मंडी में पहुंच गए मंडी का मैं कोई ऐसा व्यू मैं कोई डाल नहीं सका ऐसा कोई क्लिप क्योंकि भाई एक तो पुलिस वाले खड़े होते हैं और हमारे बाकी भाई सब सोए हुए थे ये भी सोया हुआ था और सब पीछे भी सोए हुए थे इसलिए मंडी का कुछ मैं डाल चुका गड्डी टिकट होगी हुई और अब मंडी से निकल गया जीपी के लिए जीपी यहाँ से सिर्फ 74 किलोमीटर सिर्फ जो कि यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है और एक तो करण को दवाई लेनी पड़ती है घर से लेके नहीं आया अब चला गया दवाई लेने के लिए जैसे ही आते हैं तो फिर निकलते हैं भाई यहाँ से और उनको वो नीचे पीछे खड़ा हुआ है गाड़ी लेके अच्छा और इस गाड़ी के पीछे खड़ा है वो देखो भाई वो खड़ा हुआ तो भाई फिलहाल हम पंडोर डैम पहुंच गए मैं गाड़ी चला रहा था एक्चुअली तो इसलिए व्लॉग बना नहीं पाया अब हम आ गए हैं दूसरी साइड में फिर से व्लॉग बनाने के लिए इधर देखो गाड़ी चलाने के लिए मंत्री पीछे बैठ गया करण जी आए गाड़ी चलाने के लिए यहां से भाई ले 512 और मनाली 86 किलोमीटर है तू अपना चल तू गड्डी चला भाई तू उधर तक खड़ा मैं इधर ओ पत्थर आ ऊपर दे पत्थर आ दे और देखो भाई स्लाइडिंग साइड देखा सामने हो गई थी ये रास्ता बहुत खतरनाक है ठीक है भाई टनल तो यार भाई बन रही है अभी दूसरी टनल ओपन हो गई है तो अब टनल की बारी टनल के अंदर चलेंगे और नोने करता सारा झाड़ से व्यू मर गया बोलता ओ यार टनल तो बंद है आगे आएगी टनल मुझे इतना टनल आएगी एक तो टनल आ ही जाएगी मुझे इतना पता है कितना काम लगा इधर अच्छा ही काम करते हो यार मैंने लगता नहीं एंट्री होंगे इस बार टनल से सेंटर नहीं है दूसरा है पिछले बार जब अस मनाली गए थे तब तो नहीं थी ओपन नहीं थी पुजना नहीं उतना भाई पुजना नहीं चल जान दे तू करूंगा था वो तो भाई एंट्री होगी टनल में होली चलो वीर होली चलो कि
ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਗੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਦੀਦੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਮਨਾਲੀ ਤਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਪਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਟਨਲ ਹੀ ਟਨਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਟਨਲ ਹੋ ਗਈ ਅਬ ਤੋਂ 12 ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂ 12 ਰੋਡ ਬਾਡੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਭੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਨਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਨਲ ਟਨਲ ਹੀ ਟਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟਨਲ ਹੀ ਟਨਲ ਟਨਲ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਥੀ ਉਹ ਥੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਟਨਲ ਚ ਉਹ ਟਨਲ ਟਨਲ ਅਟਲ ਟਨਲ ਅਟਲ ਟਨਲ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ठंडी हवा रही पूरी ਪਰ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੋ ਕਿਧਰ ਜਾਣਾ ਦੀਦੀ ਰਾਈਟ ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਟਨਲ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟਨਲ ਸੀ ਇੱਕ ਟਨਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਦਾ ਤੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਫੋਕਸ ਕਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੜੀ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਕੂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਅੰਕੂ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਅਭੀ ਇਹ ਮਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਛੋੜ ਦਿਓ ਚਲੇ ਹਮ ਜਿੱਬੀ ਕੋ ਔਰ 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 ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਦਾ ਭਾਈ 4,500 खतरनाक अब देखो बट करना पड़ेगा थोड़ा एडजस्टमेंट रस्ता टूट गया जी सारा उस रस्ता पहले सारा यार ज्यादा ही नुकसान हो गया इधर है ना भाई टनल का पानी कितने के भाई बाइकर्स भी जा रहे हैं बाइकर्स जी भी जा रहे हैं सब तो बस फिर ये वही है बाइकर्स का काम ही देखो भाई लो तो भाई सहज वो तीर्थ घाटी में आपका स्वागत है हमारा स्वागत कर दिया उन्होंने जी भी 28 किलोमीटर जी भी अभी यहाँ से है जी भी तो अगे साढ़ा ਜਿੱਬੀ ਨਿਕਲ ਹਾਂ ਕੁੱਡਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਖੱਡਾ ਖੁੱਡਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ ਓਕੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕੋ ਨਿਕਲ ਨੁਕਰ ਕਾ ਕੋ ਵਿਵਾੜ ਹੋਗਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਮਤ ਕਰ ਯਾਰ ਕੋ ਨਿਕਲ ਲੈਣੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀ ਤੋਲੀਆ ਤੂੰ ਤੋਲੀ ਚਲਾਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਵੇ ਤੂੰ ਤੋਲੀ ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਆਣਾ ਤੂੰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਵੇਟ ਦੇ ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਰਨਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸਿਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਜਾਮੇ ਚ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀਬੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਰ ਯਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਧੂਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਟਨ ਬੰਦਨ ਵੀ ਨੀਚੇ ਬਤਾਇਆ ਜਮੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੜਾ ਲੈ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫੋਨ ਫੜ ਲੈ ਭਾਈ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ठीक है चलो 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 तो भाई चलते हैं भाई बड़ी मुश्किल से मर बड़ी मुश्किल से मर मर के पहुंचे भाई 2-3 बार तो रास्ता भूल गए पहुंचना था 11 बजे का एस्टिमेट लगाया था और 2 बज गए भाई पहुंचते और हमारा जो निशल्ले कॉटेज है वो रास्ता देखो भाई कैसा है इसको देख के लग रहा है नहीं यार जितना हमने स्ट्रगल किया ना जीवदार का पेड़ा वो सारा ऐसे लग रहा है हो जाएगा वो मतलब कि हो जाएगा वो कम इसमें वो हो जाएगा क्या हो जाएगा वो जल्दी जल्दी भाई पहुंचते और कपड़े कपड़े चेंज करते हैं रियल्स रियल्स मैंने बोला रियल्स रियल्स बनाते हैं रियल्स चलते हैं एंटर तो कर दो पहले बंदे नूं
देखो बड़ो चलो सब दूसरा रूम भी देख लेते हैं। दूसरा कौन से वाला? अच्छा चाबी नहीं है आपके पास? खोल ले, खुले खुला है। आजा आजा इधर, दूसरे भी देख ले आके। आजा दीदी, क्या बोलता दूजा कमरा, क्या बोलता तू? पहले वाला बड़ा अल्टीमेट है, ये लो खोलो। लो तो भाई खोलो, इसको भी देखते कैसा ये। यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा है भाई। गल है जिन्ना से स्ट्रगल करके पूछे ना, कमरा दिखेगा खुश हो जाए मन।